गुना केंद्रीय के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल एक महिला की देर रात मौत होने से खफा परिजनों ने रोष प्रकट किया है। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि इंद्र के गांव चांद संबंध की रहने वाली सीमा देवी पत्नी रामलाल कुछ दिन पहले इलाज के लिए इंद्र के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। मृतक सीमा देवी के भाई कृष्ण कुमार का आरोप है कि उसकी बहन को दिल संबंधी बीमारी के कारण यहां दाखिल करवाया गया था। बीती रात उसको 1 बजे के करीब टीका लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग निकले। उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें अपने मरीज को करनाल ले जाने की बात कही, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल में ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई। कृष्ण कुमार व अन्य परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्यवाही करने की बात कही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। महिला के शव को करनाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बारे में पुलिस अधिकारी मोहन लाल ने कहा कि अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सही कार्यवाही हो पाएगी। अस्पताल के डॉक्टर अशोक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला कुछ दिन पहले हृदय संबंधी इलाज करवाने के लिए दाखिल हुई थी। बीती रात इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उसने रात 1 बजे के करीब अपने बच्चे को दूध भी पिलाया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद वो सो गई और सोते हुए उसकी मौत हो गई। उन्होंने परिजनों से लापरवाही करने के आरोप को नकारा है। इंद्र से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसा जी, ये लड़की पानीपत से शादी हुई है इसकी, और मैं इनके रिश्तेदारी में भाई लगता हूँ इस लड़की का। अभी पुलिस मौके पर बैठी थी डॉक्टर साहब के चैम्बर में, डॉक्टर साहब के पास मैं खुद गया हूँ। डॉक्टर साहब ने ये एक्सेप्ट, एक बंदा और था मेरे साथ, मेरा पड़ोसी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जी डॉक्टर साहब ये किस बीमारी के लिए यहाँ एडमिट हुई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी हार्ट बीट पड़ी हुई थी, इस बीमारी के कारण ये यहाँ एडमिट हुई। एडमिट हुई तो ये करे, हमने 10 बजे टीका लगाया। जो इस लड़की के साथ परिजन हैं, उन परिजन का कहना ये है कि इस लड़की को 1 और 1.5 बजे के बीच में टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद इसके मुंह में झाग आए हैं और झाग आने के बाद इसकी डेथ हुई है। डॉक्टर की लापरवाही है, सर हम लापरवाही है। जब वो कह रहे हैं मेरे पास साधन नहीं है इस बीमारी का, तो इसने एडमिट क्यों करी हमारी लड़की? आप मौके के अफसर हो, तो मौके का अफसर जिसके हाथ में कलम होती है ना, वो भी एक भगवान का रूप है। कार्रवाई करने से मना तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है जनाब, आप ठीक है जनाब, आपने आप मेरे पास आए आज, बिल्कुल आपने मन कर गया, बिल्कुल जी आप कंप्लेंट दो, आप उस पर कार्रवाई, बिल्कुल जी बिल्कुल कार्रवाई के लिए उसी टाइम मौके पहुँच गए, बिल्कुल आए जनाब। पहुँचने के बाद इसको आना, डेड बॉडी को आना सरकारी अस्पताल में करवा लेके जाएंगे, ठीक है, पोस्टमार्टम कराएंगे, ठीक है जी। डॉक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो कहाँ का पेशेंट? लेन ट्रीटमेंट को जज नहीं कर सकता, इलाज को जज नहीं कर सकता। तो 3 दिन सही हुआ तो वही इलाज हमने 4th दिन भी किया, 3rd दिन भी किया, पहले दिन दिया, 2rd दिन दिया, हमने को बदला ही नहीं। इलाज सही नहीं होता तो पहले दिन कुछ हो सकता है, तो गलत आरोप लगा रही। आपकी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट दिया? पूरा ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट चला के दिया। सडन डेथ नहीं हुई है, सो पेशेंट सोया हुआ था, लड़की के क्लिनिक से दाखिल हुआ था, एसिडिटी थी उसको, 1 बजे उठा था, शार्प किया उसने, 1:30 बजे बच्चे को दूध पिलाया, 2 बजे सो गया, उसके बाद सोए से नींद में डेथ हो गई। उसके आधार पर हार्ट बीट 3 दिन हो गए। 3 दिन? तो कहाँ का पेशेंट? यानी कि लेमैन ट्रीटमेंट को जज नहीं कर सकता, इलाज को जज नहीं कर सकता। तो 3 दिन सही हुआ तो वही इलाज हमने 4th दिन भी किया, 3rd दिन भी किया, पहले दिन दिया, 2rd दिन दिया, हमने को बदला ही नहीं। इलाज सही नहीं होता तो पहले दिन कुछ हो सकता है, तो गलत आरोप लगा रहे जी।
आपकी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट दिया गया? पूरा ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट चला दिया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.